हेलो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। माय सेल्फ इज राहुल देव दुबे। ओके, स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आप लोग जानते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधि, उसकी संरचना और उसकी गुणवत्ता के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या उप सहसंयोजक रसायन। इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच इज द स्टडी ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिफाइंड द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals the study of methods of preparation properties and structure of coordination compound called coordination chemistry. यहाँ पे मैंने यार डेफिनेशन लिखा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और उसके स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करते हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहलाती है। तो चूंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बात होती है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम लोग साल्ट के रूप में मेंशन करते हैं, तो हम लोग इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हम लोग सबसे पहले स्टडी करने वाले हैं साल्ट के बारे में। आपको पता होगा साल्ट क्या होते हैं। साल्ट में ऐसे कंपाउंड जिसमें एसिड और बेसिक रेडिकल प्रेजेंट होते हैं, मीन्स दोज कंपाउंड इन विच एसिड एंड बेसिक रेडिकल आर प्रेजेंट कॉल्ड साल्ट। ऐसे कंपाउंड जिसमें एसिड और बेसिक रेडिकल प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, साल्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आप यहाँ पर लेते हैं HCl, एसिड है और इसका रिएक्शन करा देते हैं बेस के साथ, इंडिगो एच के साथ, तो क्या बनता है आप लोग जानते हो, यहाँ पर बन जाएगा H2O निकल जाएगा और H2O निकलेगा, बनेगा NaCl। NaCl क्या है, साल्ट। तो साल्ट को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं कि ऐसे कंपाउंड जिसमें एसिड और बेसिक रेडिकल है। तो देखो जरा साल्ट के बारे में, देखो साल्ट में Na है और Cl है। Na कहाँ से आया बेटा, Na जो है ये आया बेस से आया, बेस ने क्या दिया Na प्लस टू एच टू, तो Na प्लस क्या है, बेसिक रेडिकल है, और ये Cl ने क्या दिया H प्लस प्लस Cl माइनस दिया, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड Cl माइनस दिया और ये बेस क्या दिया Na प्लस दिया, तो दोनों मिलकर क्या बना लिए, सॉल्ट बना लिए। तो इसका मतलब इस सॉल्ट में क्या है, बेस का रेडिकल Na है, Na प्लस है जिसको हम कैटायनिक रेडिकल बोलेंगे, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रेडिकल Cl माइनस है जिसको हम लोग एनायनिक रेडिकल बोलेंगे। ये कैटायनिक है, ये एनायनिक है, ये एनायनिक है, ये कैटायनिक है। अब हम लोग स्टडी करने वाले हैं साल्ट, साल्ट टाइप्स ऑफ साल्ट के बारे में, कितने प्रकार के साल्ट होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्ट। तो ध्यान रखिएगा बेटा, टाइप सॉल्ट में जो होते हैं कई प्रकार के सॉल्ट आपको मेंशन करने होते हैं, जैसे सिंपल सॉल्ट होता है, डबल सॉल्ट होता है, मिक्स सॉल्ट होता है, एसिडिक सॉल्ट होता है, बेसिक सॉल्ट होता है ना। तो ये सब सारे क्या हैं, सॉल्ट के टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, सिंपल सॉल्ट। सिंपल साल्ट क्या होता है, ऐसा साल्ट जिसमें सिर्फ एसिड और बेसिक रेडिकल हो
उसको हम लोग सिंपल साल्ट बोलते हैं, जो ओके स्लाइम मीडियम में स्टेबल होता है लेकिन एक उस मीडियम अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं सिंपल साल्ट। दो साल्ट विच आर स्टेबल इन क्रिस्टलाइन मीडियम बट लूजेस इट्स आइडेंटिटी इन एक्वस मीडियम These salts can ionize give one cation and one anion. ये साल्ट ऐसे होते हैं जो कि जिनको आयनाइज करने पर, जिनको हाइड्रोलाइज करने पर क्या होता है, एक कैटायन मिलता है और एक एनायन मिलता है, उसको हम सिंपल साल्ट होते हैं। जैसे NaCl है, KCl है, RBCl है, RBCl, ये सब क्या है, ये सब आपको बेटा क्या है, सिंपल साल्ट। तो सिंपल साल्ट जो हम लोग डेली यूज के लिए यूज करते हैं, जैसे NaCl हम लोग क्या करते हैं, डेली यूज करते हैं सिंपल साल्ट को। अगर इसका आयनाइज कर दिया जाए तो आपको पता होगा NaCl को आयनाइज कर देते हैं तो ये कितने टूटता है बेटा, NaCl जो है एक प्लस मीडियम इन Na प्लस एक्वस और प्लस Cl माइनस एक्वस। अगर इसको एक प्लस मीडियम में डिजॉल्व कर दिया जाए तो सोडियम कैटायन, ये आपको क्या है बेटा, कैटायन है, कैटायन, और ये क्या है, एनायन। ठीक है, तो सोडियम प्लस कैटायन में कन्वर्ट हुआ और Cl माइनस कैटायन में कन्वर्ट हुआ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सिंपल साल्ट। मीन्स ऐसे साल्ट जो दो एक कैटायन और एक एनायन में कन्वर्ट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं सिंपल साल्ट बोलते हैं। ये तो सिंपल साल्ट के बारे में हुआ। हम लोग स्टडी करते हैं सिंपल साल्ट के बाद होता है आपका दूसरा साल्ट है आपका मिक्स साल्ट। मिक्स साल्ट क्या होता है, मिक्स साल्ट का मतलब ये होता है ऐसे साल्ट जिनको अनाइज करने पर एक से अधिक कैटायन और एक से अधिक एनायन में कन्वर्ट होते हैं, उनको मिक्स साल्ट बोलते हैं। मीन्स दो साल्ट विच गिव मोर देन वन टाइप ऑफ कैटायन and anion called mixed salt। ऐसे साल्ट जिसको अनायन करने पर एक से अधिक प्रकार की कैटायन और एनायन देते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं मिक्स साल्ट। जैसे आपका एग्जाम्पल है CaOCl2, दैट इज कॉल्ड ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर को अगर अनेज किया जाए कि ये CA2 प्लस OCl माइनस प्लस Cl, ये आपका कैल्शियम आयन है, ये आपका परक्लोरेट आयन है, ये आपका परक्लोरेट। अब देखो बेटा ये CaOCl2 जो है इसको अनेज किया गया है तो दो से अधिक प्रकार की कैटायन और एनायन देता है। देखो इसमें देखो ये दोनों एनायन है लेकिन ये एनायन अलग है, ये एनायन अलग है। इस एनायन की स्थिति अलग है, उस एनायन की स्थिति अलग है। ऐसे साल जो एक से अधिक प्रकार के डिफरेंट कैटायन और एनायन देते हैं, मीन्स दो साल्ट विच गिव मोर देन वन टाइप्स ऑफ कैटायन, कैटायन यहाँ पर बेटा OR होगा, ध्यान रखिएगा OR एनायन काल मिक्स साल्ट। ऐसे साल्ट जो एक से अधिक प्रकार के कैटायन, एक से अधिक प्रकार के कैटायन और एक से अधिक प्रकार के एनायन देते हैं, उनको हम लोग मिक्स साल्ट बोलते हैं। यहाँ पर दो एनायन मिला। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं NaH2
यानी HCl4। अगर इसको अनैच कर देते हैं, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ NaHCO4। अगर इसको अनैच कर देते हैं तो बताइए किस में टूटता है, Na+ + CH+ + CO4 2-। यहाँ पे देखो ये दोनों आपके क्या है, केटायन है, लेकिन बेटा ये केटायन क्या है, डिफरेंट टाइप्स के। तो ध्यान रखिएगा ये केटायन डिफरेंट टाइप्स के, जैसे यहाँ पे ये दोनों एनायन है, ये एनायन कैसे हैं, डिफरेंट टाइप्स। तो जब डिफरेंट टाइप का एनायन हो या डिफरेंट टाइप का केटायन हो तो उसे को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स सॉल्ट बोलते हैं। ये आपका क्या है, मिक्स सॉल्ट। मिक्स सॉल्ट के बाद हम लोग स्टडी करेंगे, थर्ड है एसिड सॉल्ट या एसिडिक सॉल्ट, इसको बोलते हैं एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट क्या होता है बेटा, ऐसे सॉल्ट जो H+ देते हैं। एसिड का मतलब क्या होता है, जो प्रोटॉन डोनर होते हैं उनको हम लोग एसिड बोलते हैं। एसिडिक सॉल्ट का मतलब क्या हुआ, ऐसे सॉल्ट जो प्रोटॉन डोनर होते हैं, मीन्स इट गिव्स H+ आयन। जैसे यही एग्जांपल मैं ले ले रहा हूँ NaHPO4। अगर इसको अनैच करते हैं तो किसमें टूटता है बेटा, Na+ + CH+ + CO4 2-। तो देखो इसने क्या दिया, H+ दिया, इसलिए इसको हम एसिडिक सॉल्ट भी बोलेंगे। ये एसिडिक सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट भी है, एसिडिक सॉल्ट भी। नेक्स्ट आपका है बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट क्या होता है, बेस का मतलब क्या होता है, जो OH मैलिफाइन डोनर होते हैं उनको बेस बोलते हैं। मीन्स इट गिव्स OH- आयन को लॉस करता है उसको हम लोग बेसिक सॉल्ट बोलते हैं। जैसे CaOHCl, अगर इसको अनैच कर दिया जाए तो किसमें टूटता है बेटा, CaO+ + OH- + CO2-। तो यहाँ पे देखो ये OH- को लॉस किया है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिक सॉल्ट बोलेंगे। और यहाँ डिफरेंट टाइप्स के एनायन भी है, इसको हम मिक्स सॉल्ट भी बोल सकते हैं, डिफरेंट एनायन से, इसलिए इसको हम मिक्स सॉल्ट भी बोल सकते हैं। तो ये तो था मैंने, फिर नेक्स्ट आपका है बेटा, ये तो आपका थर्ड हो गया फोर्थ हो गया बेसिक सॉल्ट। फाइव है आपका डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट क्या होता है, देखो सबसे पहले ये देखो डबल सॉल्ट बनाया क्या कैसे जाता है, जब दो सॉल्ट को आपस में मिलाकर एक सोल्यूशन बनाते हैं और सोल्यूशन को गर्म करते हैं, मीन्स उसका इवेपोरेशन कराते हैं, तो जो उसका रेसिड्यू बचता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल सॉल्ट बोलते हैं। डबल सॉल्ट क्या होता है, डबल सॉल्ट भी जो होते हैं, ये सारे सॉल्ट जो होते हैं क्रिस्टलाइन मीडियम में स्टेबल होते हैं, लेकिन एक्वस मीडियम में अपनी आइडेंटिटी को लॉस करते हैं। डबल सॉल्ट भी वही होता है, ये क्रिस्टलाइन मीडियम में स्टेबल होता है लेकिन एक्वस मीडियम में अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देगा, अर्थात आप कह सकते हैं इट इज स्टेबल इन क्रिस्टलाइन मीडियम बट अनस्टेबल इन एक्वस मीडियम। ओके, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं व्हेन ए सोल्यूशन ऑफ टू सिंपल सॉल्ट, आर इवेपोरेटेड द रेसिड्यू पार्ट ऑफ दैट सोल्यूशन कॉल्ड डबल सॉल्ट। कहने का तात्पर्य हो, जब दो सिंपल सॉल्ट को हम आपस में मिलाकर एक सोल्यूशन बनाते हैं, उसको गर्म करते हैं, जो उसका रेसिड्यू जो उसका अवशेष बचता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल सॉल्ट।
it is stable in crystalline medium but unstable in aqueous medium. जैसे इसके एग्जाम्पल बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है, आप लोगों को पता होगा, सभी के घरों में प्रायः पाया जाता है फिश के लिए पोटाश एलम एंटीसेप्टिक के रूप में इसका उपयोग हम लोग करते हैं ना। क्या फर्क होता है बेटा, K2SO4 Al2SO4 साइज 24SO4। इसको जब अगर हम लोग ब्रेक करेंगे एक्वस मीडियम को तोड़ेंगे तो ये किस भी टूटेगा, ध्यान रखिएगा, 2K+ SO4-2- और 2Al+ 2Al+24S2। ये सब एक्वस ऐसे लगा देंगे, एक्वस और यहाँ पर भी एक्वस, ऐसे एक्वस सब लगा देंगे। अब यहाँ देखें 2K+ है, SO4 कितने हैं बेटा, SO4 4 है तो यहाँ पे 4SO4 हो जाएगा माइनस और 2Al+ हो जाएगा, फिट के लिए हो गया। और भी इसके एग्जांपल हैं, एक एग्जांपल दूसरा है जैसे आप लोग पढ़े होंगे मोसाल के बारे में, मोसाल के बारे में क्या फॉर्मूला होता है, SeSO4 NH4 SO4 6S2। ये आपका मोहसाल, इसको जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो किसमें टूटेगा, Fe में टूटेगा, Fe SeSO4 NH4 SO4 है ना, Fe SO4 2-। अभी हम लोग इसको देखेंगे कौन से वैल्यू से, कौन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में Fe है, SO4 2- NH4+, यहाँ पे 2NH4+ है और यहाँ पर ये है 6S2। ये सारे एक्वस में रहेंगे, एक्वस में चूंकि डिजॉल्व किए जा रहे हैं, एक्वस में जली विलय में, इन सबको जली विलय में डाला जाता है। तो देखिए जरा Fe SO4 2- है, ओके, और यहाँ पे 2+ है, Fe SO4 कितने हैं बेटा, 2SO4, तो दो तो कितने होंगे, 4- हो गए, 2 4 4- हो गए और 2+ हो गया, यहाँ पर हम लोग कितना लगा देंगे, 2+ लगा देंगे, तो प्लस और माइनस बराबर रहेंगे। तो ये आपका क्या है, मोहसाल का एग्जाम्पल था। नेक्स्ट आपका होता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, इसी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, जो हमको इस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में स्टडी करना है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है, सबसे पहले इसकी विशेषता मैं दे रहा हूँ, विशेषता ये है कि जैसे मैंने आपको बताया फिटकरी जो होता है क्रिस्टलाइन मीडियम में स्टेबल होता है, इसको एक्वस मीडियम में अगर डाल दिया जाए तो अपनी आइडेंटिटी को इस तरीके से लॉस कर देगा, मीन्स ये आयनों में ब्रेक हो जाएगा। ये इसको भी मोहसाल को भी क्रिस्टलाइन मीडियम में क्या होता है, स्टेबल होता है, आप देखेंगे ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, लेकिन जैसे इसको एक्वस मीडियम में डाल देते हैं ये आयनों में क्या होता है, बिखर जाता है, टूट जाता है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में ऐसी बातें भी, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ऐसे होते हैं जो क्रिस्टलाइन मीडियम के साथ साथ एक्वस मीडियम में भी स्टेबल होते हैं, ये अपनी आइडेंटिटी को लॉस किसी भी कंडीशन पे नहीं करते हैं। तो इट इज स्टेबल इन क्रिस्टलाइन एज वेल एज इन एक्वस मीडियम, एज वेल एज इन एक्वस मीडियम, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट किसे कहते हैं, इट इज आल्सो नोन एज कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ओ आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्वाड्रेशन कंपाउंड क्यों कहते हैं, बिकॉज
कोऑर्डिनेट बाउंड, कोऑर्डिनेट बाउंड इज प्रेजेंट बिटवीन सेंट्रल एटम एंड लिगेंड। सेंट्रल एटम और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेट या इसको कोऑर्डिनेट कंपाउंड बोलते हैं। हम लोग स्टडी करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग ब्रीफ में स्टडी करेंगे क्योंकि यही हमारा चैप्टर इसमें स्टडी करना होता है। तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में ध्यान रखिएगा दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल मेटल और लिगेंड्स। सेंट्रल मेटल क्या होता है, इन दोनों की भूमिका से ही कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनते हैं। सेंट्रल मेटल क्या करता है, ये एम्प्टी ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा और लिगेंड क्या करेगा, ये फुलफिल्ड ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा। अर्थात लिगेंड जो होगा वो इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करेगा और जो सेंट्रल मेटल होंगे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करेंगे। इस तरीके से दोनों के बीच में जो होता है कोऑर्डिनेशन होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो देखा जाएगा अगर हम लोग कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बारे में स्टडी करें तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में दो चीजें होती है, एक होता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंपाउंड है मेनली टू ऑर्गन दैट इज सेंट्रल एटम एंड लिगेंड। सेंट्रल एटम एंड लिगेंड, तो सबसे पहले हम लोग क्या स्टडी करते हैं, सेंट्रल एटम। सेंट्रल आइटम क्या होता है बेटा, सेंट्रल आइटम मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर की भूमिका निभाता है। तो सेंट्रल आइटम जो होते हैं ये मुख्यतः ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए होते हैं क्योंकि जब आप लोग पीरियडिक टेबल स्टडी करेंगे तो एस ब्लॉक ई ब्लॉक डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के बारे में स्टडी करते हैं। तो डी ब्लॉक के बारे में क्या होता है, डी ब्लॉक जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करने की कैपेसिटी रखता है। क्यों, क्योंकि उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल ज़्यादा होता है। तो सेंट्रल एटम जो होते हैं ये मेनली ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं और ध्यान रखिएगा ट्रांजिशन एलिमेंट होने से दीज आर जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट होने से मैं आपको बताऊंगा कि सेंट्रल मेटल और लिगेंड के बीच में किस तरीके से कोऑर्डिनेशन होता है, सेंट्रल मेटल क्या करता है और क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट की कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट के पास तीन कैरेक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो तीनों कैरेक्टर्स क्या हैं, इट है इम्पटी एन माइनस वन डी ऑर्बिटल। इनके पास क्या होता है, एम्प्टी एन माइनस वन डी ऑर्बिटल होता है। इसलिए ध्यान रखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ कि ट्रांजिशन एलिमेंट ही क्यों सेंट्रल मेटल की भूमिका निभाता है, अर्थात कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाता है। इसके पास तीन विशेषता बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला विशेषता क्या है, इनके पास एम्प्टी एन माइनस वन डी ऑर्बिटल होता है। दूसरी विशेषता क्या है, इनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, साथ ही साथ ध्यान रखिएगा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है और इनका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है काफ़ी हाई होता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। और नेक्स्ट है स्मॉलर साइज एंड हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। साइज स्मॉलर होती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब बात मैं एक एक पॉइंट पर करूँ, इनपट ईन माइनस वन डी ऑर्बिटल को तो क्या होता है, देखो जरा जैसे सपोज करो स्कैडियम है 21 इलेक्ट्रॉन कंफिग्रेशन करते हो तो लास्ट में क्या मिलता है बेटा, ये आपको मिलता है 3d1 4s2, ये मिलता है। अब देखो 3d1 के पास क्या है, 3d1 के पास एक इलेक्ट्रॉन, जबकि 3d के पास कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ये 3d 1
थ्री डी के पास जो है 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्योंकि इनके पास हाई ऑर्बिटल है, लेकिन कितना इलेक्ट्रॉन कंटेन किया है वहाँ, इसका मतलब इनके बहुत सारे ऑर्बिटल खाली हैं जो कि आसानी से लिगेंड के इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इनके पास क्या है, इम्पर्टी ऑर्बिटल पहली बार। दूसरी चीज़ ये है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जब हम लोग इसके बारे में स्टडी करते हैं तो आपको पता होगा कि डी ब्लॉक में जो हम लोग सीरीज पढ़ते हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज ना, तो इन सीरीजों में जब हम लोग देखते हैं तो इनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। जैसे जब हम स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम के बारे में बात करेंगे तो वैसे हम देखें ठीक ना, तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन में जैसे स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वैनेडियम है, क्रोमियम है, मैगनीज है, हेरम, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ऐसे है ना, इनके पास प्लस थ्री प्लस फोर, देखो प्लस थ्री प्लस फोर, प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव, ऐसे ऐसे प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स, प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स, ठीक है। तो ये इसका कितना होता है, प्लस सेवन होता है। तो देखो इनके पास क्या है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। हम क्या करना है, देख रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, इसका कंटिन्यू इंक्रीज कर रहा है। तो बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट इनके पास होते हैं जिसके कारण है, अगर किसी भी एलिमेंट के पास इतना ऑक्सीडेशन स्टेट अगर शो करता है तो जाहिर सी बात है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर सकता है। क्योंकि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है या जिसका ऑक्सीडेशन नंबर की क्वांटिटी कम होती है वो कॉम्प्लेक्स बहुत कम बना सकते हैं, लेकिन जिनके ऑक्सीडेशन चार्ज ज़्यादा होते हैं या जो ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर फॉर्म में रहता है उनके पास कॉम्प्लेक्स बनाने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तीसरी चीज होती है स्मॉलर साइज हाई इफेक्टिवनेस। आपको पता होगा ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे बढ़ेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बढ़ रहा है तो होगा क्या कि साइज उसकी क्या होती है, साइज छोटी होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा डेवलप रखता है, ट्रांजिशन एलिमेंट रखता है, इसलिए इसकी साइज क्या होती है, स्मॉलर होती है। अच्छा, स्मॉल साइज होने से क्या बेटा फर्क होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियस साइज क्या होगा, ज़्यादा होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा साइज छोटी होगी, इफेक्टिव न्यूक्लियस, इफेक्टिव न्यूक्लियस साइज बढ़ने से क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियस साइज बढ़ने से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी, टेंडेंसी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। ये मेरी साइन जो है इंक्रीज की इंडिकेट करती है, ये डिक्रीज की। देखो हो क्या रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा साइज छोटी होगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, टेंडेंसी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नहीं सर। जैसे मैं आपको समझाऊँ, जैसे आपके पास Fe2+ है और Fe3+ है, तो अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि कौन एलिमेंट जो है ज़्यादा इजी कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो आप क्या बताओगे, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होगा प्लस थ्री, प्लस थ्री ज़्यादा होने से क्या हुआ, ध्यान रखिएगा इनके पास प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को कंपेयर में प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है कंपेयर टू दिस। तो जहाँ पे प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा मिले इन कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, वहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। वहाँ पे द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीजमेंट ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस एंड डिक्रीजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द सेल। मतलब कहने का तात्पर्य यह हुआ किसी भी एटम में नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है, अगर प्रोटॉन की संख्या बढ़ती नहीं है बल्कि प्रोटॉन तो कांस्टेंट होती है, लेकिन अगर उसके कंपेयर में मैं इलेक्ट्रॉन को निकालता जाऊंगा तो क्या होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे, रिमूव करते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाएगी और प्रोटॉन की संख्या उसके कंपेयर में ज़्यादा रहेगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आप ऐसे समझो जैसे ये आपका प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है, सपोज करो ये प्रोटॉन कितने हैं, सपोज करो ये प्रोटॉन जो है फाइव प्रोटॉन है, और ये सपोज करो फाइव इलेक्ट्रॉन, वन टू थ्री फोर फाइव, ये सब क्या है बेटा इलेक्ट्रॉन है। अगर इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सब पर है, सब पर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा कर क्या कर रहे हैं, सारे इलेक्ट्रॉन को प्रयोग खींच रहे हैं। अगर मैं एक एक इलेक्ट्रॉन को कम करता जाऊँगा तो बचे हुए इलेक्ट्रॉनों पर इसका प्रोटॉन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन के कंपैरेटिव में ज़्यादा है, ऐसे स्थिति में बाइंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी और ये एनर्जी क्या होता जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते जाएंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बेटा बढ़ जाएगा और साइज क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। क्यों साइज छोटी होती जाएगी, क्योंकि एटम स्विंग करेगा, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो एटम स्विंग करेगा, ऐसे स्थिति में क्या होगा कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी क्या होती है, बढ़ जाती है।
क्यों क्यों कॉम्प्लेक्स ऑर्बिटल प्रेजेंट हो जाएगी, क्योंकि इनके पास ज्यादा ज्यादा इन्फर्टी ऑर्बिटल हो जाएगा अगर इलेक्ट्रॉन में निकालता जाऊंगा सेंट्रल मेटल के पास। अगर सेंट्रल मेटल का इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या होगा, इन्फर्टी ऑर्बिटल ज्यादा रहेगा, इन्फर्टी ऑर्बिटल ज्यादा रहेगा तो लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को उसमें शिफ्ट करा सकते हैं, कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। तो ये चीजें होती है स्मॉल साइज और हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कारण क्या होता है, डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं वो जनरली कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, ये तो था। अब मैं आपको बताऊंगा जैसे इसमें स्टडी करना होता है कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में स्टडी करना होता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के पास दो स्फीयर होता है, मीन्स इट हैज टू स्फीयर, इनके पास टू स्फीयर होता है। पहला स्फीयर होता है आयनाइजेशन स्फीयर, हमने क्या पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल एटम होते हैं और लिगेंड्स होते हैं, तो दूसरी चीज हम लोग स्टडी करने चल रहे हैं लिगेंड्स के बारे में। हम लोग ब्रीफ में स्टडी करेंगे लिगेंड्स के मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पीसीज, स्पीसीज कॉल्ड लिगेंड, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर का काम करता है उसको लिगेंड बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, तो हम लोग एसिड बेस के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, लुईस एसिड लुईस बेस, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पीसीज कॉल्ड बेस, और ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, इसका मतलब ये क्या होते हैं जनरली ये क्या होते हैं लुईस बेस होते हैं, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर का काम कर रहे हैं। अच्छा, सेंट्रल मेटल क्या कर रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर का काम कर रहा है, तो लुईस एसिड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर लेते हैं, तो ये क्या एक्ट करते हैं, ये जनरली क्या होते हैं, ये जनरली जो होते हैं जनरली क्या होते हैं, लुईस एसिड होते हैं, लुईस एसिड होते हैं, ये लुईस एसिड होते हैं, ये क्या होते हैं, लुईस एसिड होते हैं। ठीक, एक चीज और कि सारे जो लिगेंड्स होते हैं वो सारे लिगेंड्स, एक सारे लिगेंड्स लुईस बेस नहीं होते हैं, सारे लिगेंड्स लुईस बेस नहीं होते हैं, जबकि सारे लुईस बेस लिगेंड होते हैं, मीन्स ऑल ऑल लुईस इज लुईस बेस इज एक्ट एज लिगेंड, एक्ट एज लिगेंड, बट क्या, ऑल लिगेंड्स डज नॉट एक्ट एज लुईस बेस। दोनों आपको अजीमूरों से लग रहा है, विरोधाभास लग रहा है कि सारे लुईस बेस जो होते हैं वो लिगेंड होते हैं, लेकिन सारे लिगेंड्स जो होते हैं लुईस बेस नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका ये मैं आपको बना दे रहा हूँ फेनिल, जिसका नाम है बेंजीन, ये बेंजीन मेटा जो होता है ये लिगेंड है, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे हम लोग, ये लिगेंड जो होगा ये सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, लेकिन कभी भी ये जो बेंजीन होगा ये आपका लुईस बेस की तरह एक्ट नहीं करेगा। ठीक ना, तो बहुत सारे और एग्जाम्पल हैं, इसको आप जानते रहिए। तो हम लोग अब स्टडी करने चल रहे हैं, ये तो जनरली तौर से मैंने आपको लिगेंड के बारे में बताया। अब देखो कॉम्प्लेक्स के पास दो स्फीयर होता है, पहला स्फीयर होता है आयनाइजेशन स्फीयर, आयनाइजेशन स्फीयर, आयनाइजेशन स्फीयर क्या होता है बेटा, मीन्स कॉम्प्लेक्स का वह हिस्सा जो आयनिक होता है, जो आयनाइज होता है, जो आसानी से आयनाइज हो जाता है उसको आयनाइजेशन स्फीयर बोलते हैं, means it is the ionization part of the complex, it is the ionization part of the complex, ionization part of the complex, ये क्या होता है, complex का ionization part होता है। ठीक, और दूसरी चीज क्या होता है, it is present outside the
आउटसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर ये क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर ही जाया जाता है। जैसे सपोज करो अगर मैं कॉम्प्लेक्स बना रहा हूँ, ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ये बाहर जो हिस्सा है इसे बोलने क्या बोलते हैं, अनियमित स्फीयर, अनियमित स्फीयर। मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स का वह हिस्सा जो आसानी से अनियमित होता है उसको अनियमित स्फीयर बोलते हैं, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होता है, ठीक है। ये आपका पॉइंट। नेक्स्ट होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, स्फीयर मीन्स होता है क्षेत्र, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, स्फीयर मीन्स क्या होता है एरिया, कॉम्प्लेक्स में दूसरी एरिया क्या होती है कोऑर्डिनेशन स्फीयर की होती है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर का मतलब ये हुआ कि एज कॉम्प्लेक्स का ये मेन इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है और ये जो होता है इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स विच इज नॉन अनएजिबल, विच इज नॉन अनएजिबल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स। पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स इट इज रिप्रेजेंटेड, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट, इन स्क्वायर ब्रैकेट, इन स्क्वायर ब्रैकेट लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल प्रेजेंट, सेंट्रल एटम प्रेजेंट। इसको स्क्वायर ब्रैकेट से इंडिकेट करते हैं और इसमें सेंट्रल मेटल और लिगेंड्स होते हैं। एग्जाम्पल देखिए जरा, इन दोनों को डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे सी ओ एन एन टी सेकेंड सेकेंड सिक्स और यहाँ से ले लिया सी ओ थ्री। तो देखो बेटा ये आपका क्या है, ये आपका सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम, और ये क्या है, ये लिगेंड, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर का काम कर रहा होगा, ये क्या कर रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, इसलिए लिगेंड है, और ये क्या है सेंट्रल एटम है। और ये क्या है, इसको बोलेंगे काउंटर आयन, काउंटर आयन। जरा देखो जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे गए हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के पार्ट है, और ये इसका ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, अनियमित स्फीयर। तो जाहिर सी बात है जो काउंटर आयन होते हैं वो अनियमित स्फीयर होते हैं। अगर इस कॉम्प्लेक्स को आयनाइज करना है, सपोज करो इसको मुझे एक्वस मीडियम में मैंने इसको डाल दिया, एक्वस मीडियम में इसको मैंने डाल दिया, तो आयनाइज होकर क्या बनाएंगे, देखो जब सी ओ एन एस थ्री सेकेंड सिक्स पावर प्लस थ्री और प्लस थ्री सी एल माइनस, देखे जाना ये कॉम्प्लेक्स टूटा थ्री सी एल माइनस और थ्री प्लस है। अगर इसको पुनः हम चाहें इसको आयनाइज कर दें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, जनरली पॉसिबल नहीं, बाकी हाई टेम्परेचर प्रेशर पे तो किया जा सकता है लेकिन जनरली जो है पॉसिबल नहीं है। तो ये तो मैंने आपको स्फीयर के बारे में बताया। अब देखिए आप नेक्स्ट आपका होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स में जितने लिगेंड सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड करते हैं, जितने कोऑर्डिनेट बांड बनाते हैं भाई उसका क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, मीन्स नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बांड प्रेजेंट इन बिटवीन सेंट्रल मेटल एंड लिगेंड्स कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बांड
प्रेजेंट बिटवीन सेंट्रल एटम बिटवीन सेंट्रल एटम एंड लिगेंड कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखो जैसे सपोज करो कोई सेंट्रल एटम है, जैसे आपने देखा सीओ है, सीओ के पास वैलेंट ऑर्बिटल एनएफसी में एनएफसी का स्तर कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है, लोन पेयर है, एनएफसी के पास तीन बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, ये इसके इम्पटी ऑर्बिटल ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इसमें ओके। इसी तरीके से क्या होगा अगर ये एक लोन पेयर प्रोवाइड कर रहा है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, बस क्योंकि सेंट्रल मेटल और लिगेंड के बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर वन हो जाएगा। लेकिन अगर इस कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करें तो जरा ध्यान से देखें, अगर इसके बारे में बात करें सी ओ एन एच थ्री, ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड कर रहा है, एन एच थ्री ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड कर रहा है, एन एच थ्री ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड कर रहा है, एन एच थ्री ये भी लोन लोन पेयर प्रोवाइड कर रहा है, और यहाँ पर भी एन एच थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड कर रहा है, ये भी लोन पेयर प्रोवाइड कर रहा है। तो जरा आप देखें अगर इसके बारे में देखा जाए, इस कॉम्प्लेक्स में फॉर एग्जांपल यही लिया गया है, तो इस कॉम्प्लेक्स में अगर कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाए कितने कोऑर्डिनेशन नंबर हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनको बोलते हैं सिग्मा वन, इस कोऑर्डिनेट वन को क्या बोलते हैं सिग्मा वन। तो आप ये भी कह सकते हैं द नंबर ऑफ सिग्मा वन प्रेजेंट इन बिटवीन द सेंट्रल मेटल एंड लिगेंड आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, या ऐसा भी बोल सकते हैं द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट इन बिटवीन सेंटर मेटल एंड लिगेंड्स इन द कॉम्प्लेक्स आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कितने कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएंगे बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा इस कॉम्प्लेक्स। तो इसको ऐसे डिफाइन किया गया, अब देखो ये तो कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में है। अब लोग बात करते हैं कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल और लिगेंड्स में सेंट्रल मेटल क्या होता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर रखता है, तो सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर बारे में बात करेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट द इमेजिनरी चार्ज प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम व्हेन ऑल लिगेंड रिमूव्ड। क्या होता है जब इमेजिनरी चार्ज हम लोग देखते हैं, अगर सारे सेंट्रल मेटल के लिगेंड्स को हम लोग रिमूव कर दें तो उसकी जो सेंट्रल मेटल से जो चार्ज होगा उसकी तो हम लोग क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन। जैसे आप जानते हो क्लोरीन है ब्रोमीन है आयोडीन है, इनके ऊपर सबका क्या होता है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, ऑक्सीडेशन नंबर -3 होता है ओके। H2O है, NH3 है ना, NH3 है, H2S है, इन सबका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। जैसे NO2+ है, नाइट्रोसोनियम आयन है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, ये सब क्या है ऑक्सीडेशन नंबर है। लेकिन ध्यान रखिएगा जो सपोज करो मैं इसे CO NH3 टेकन 6+3 है, अगर सारे NH3 को मैं निकाल तो NH3 क्या है 0 ऑक्सीडेशन नंबर में है, सारे NH3 को निकाल दूंगा तो CO के ऊपर कितना चार्ज रखेगा +3, तो इसको क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर होगा ठीक है। जैसे FeCl3 है तो Cl अगर सारे मैं Cl को निकाल दूँ Cl कितना लेकर जाएगा -3 चार्ज लेकर जाएगा, तो -3 चार्ज लेकर जाएगा तो क्या बचेगा +3 बचेगा, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इसका ऐसे का कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा। तो ये तो था ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हम लोग बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स के बारे में, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स के बारे में।